ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू वर्ड द इडियम्स और फ्रेजल वर्ब. बिफोर नाउ आई गेव यू फर्स्ट फाइव सिनोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स आई एम टेल यू फर्स्ट फाइव इडियम्स, टिल, ऑल एंड सन्ड्री. नाउ कम टू वर्ड द सिक्स्थ, अल्फा एंड ओमेगा, जिसको आप कहते हैं ना स्टार्ट एंड एंड्स, मतलब अव्वल व आखिर जैसे कहते हैं. अल्लाह इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम. उसके बाद आ जाता है आ रोटन एग, मतलब के एक जैसे गंदी मछली, गंदा अंडा या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो होती है उसको कहते हैं. द प्रिंसिपल हैज़ स्ट्रक ऑफ द रोटन एग्स ऑफ द क्लास. क्लास के जो है यू कैन से प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रक ऑफ कर दिया या उनको जो है वो यू कैन से निकाल दिया. फिर है एट एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़. किसी घर में या किसी जगह पे कोई पर्सन भी हो सकता है तो आप कह सकते हैं कि न्यू बिजनेस हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान एक नया बिजनेस जो है वो फसाद की जड़ बन गया. ठीक है, एप्पल ऑफ वन आई, किसी के लिए कोई बहुत ही महबूब लविंग चीज़ होती है या लवेबल आप कहते हैं, तो इसका सेंटेंस ये हो सकता है द यंगेस्ट सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई. टेंथ पे आ जाए एन आई वॉश, नज़र का धोखा. गवर्नमेंट न्यू स्कीम इज़ जस्ट एन आई वॉश. अलेवेंथ है एन एक्स टू ग्राइंड, उल्लू सीधा करना, यानी अपनी मतलब निकाल लेना और बस. तो यहाँ सेंटेंस है सोशलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, दे जस्ट वॉन्ट टू सेव द सोसाइटी. उनका मकसद क्या है कि वो जो है सिर्फ सोसाइटी को बचा लें. उसके बाद है अगेन एंड अगेन, बार बार, या आप कह लो ट्राई अगेन एंड अगेन, या जिस भी मीटिंग में ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड माई हेल्प अगेन एंड अगेन. हमारे 12 हो गए हुए हैं ये आप सेट कंप्लीट लर्न कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट वीक में फिर हम जो है वो अगले वाले करेंगे. ठीक है, ये आपका इस वीक का जो है वो वर्क है, कंप्लीट हो गया. ग्रामर पोर्शन में 12th जो है आपके idioms हैं, और अब तक यूनिट नंबर 6 है. दो यूनिट्स इंशाल्लाह मैं आपको इस वीक में और करवा दूँगी. अल्लाह हाफिज़.